पिपराई थाना क्षेत्र के पूर्वा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर कॉलेज के प्रबंधक अभिषेक यादव के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इससे पूर्व आक्रोशित छात्र और छात्राओं ने पूर्वा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के सामने गोरखपुर पिपराइज रोड को जाम कर प्रदर्शन भी किया था। मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर कोतवाली इलाके के दुर्गावाड़ी स्थित राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता का शासनादेश फर्जी मिला है। इसका संज्ञान लेकर संयुक्त सचिव अनिल सिंह ने तहरीर भेजकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कॉलेज संचालकों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार करके जालसाजी करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शासन के संयुक्त सचिव अनिल सिंह ने कोतवाली पुलिस को भेजी तहरीर में लिखा है कि 11 नवंबर 2021 को राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता बहाल किए जाने का शासन आदेश सार्वजनिक किया गया था। इसी आधार पर विद्यार्थियों का प्रवेश भी लिया गया। यह मामला सामने आया तो शासन स्तर से जांच कराई गई तो पता चला कि शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी शासन आदेश फर्जी है। मान्यता बहाल के संबंध में जारी किए गए पत्र में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी का नाम व पद गलत है। शासनादेश में महानिदेशक के स्थान पर महानिर्देशक लिखा गया है, जो बिल्कुल गलत है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के रजिस्टर क्रमांक व पत्र संख्या से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। विद्यार्थियों को गुमराह करने और अनुचित लाभ लेने के लिए ऐसा किया गया है, लिहाजा मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। कोतवाली इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने कहा कि तहरीर के आधार पर जालसाजी का केस दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के निदेशक अभिषेक यादव ने कहा कि उन्होंने स्वयं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी जांच चल रही है। जालसाजी, धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज कराया था। आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की मान्यता है, अपर मुख्य सचिव स्तर से मान्यता बहाल करने का आदेश जारी है। संयुक्त सचिव अनिल सिंह को शपथ पत्र दिया जा चुका है। वहीं पीड़ित छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि 3 साल से इस कॉलेज में फंसे हुए तथा आज तक हम लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तक नहीं आया है, ना ही कोई एग्जाम हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हम सभी छात्रों को गोरखनाथ नर्सिंग होम में ट्रांसफर किया जाए या 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने हम सभी छात्रों से डोनेशन के नाम पर किसी से 50,000 तथा किसी से 1 लाख व 2 लाख तक लिया था, तथा इससे पहले हम लोगों को नहीं पता था कि कॉलेज फर्जी है या मान्यता नहीं है, तथा सोमवार को जब पेपर में निकला तब हम लोगों को पता चला। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि हम सभी छात्रों को अन्यत्र ट्रांसफर किया जाए या 10 लाख का मुआवजा प्रति छात्र दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित छात्रों ने कहा, अभी आप लोग इससे प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं और स्कूल से क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन और स्कूल से यही मांग चाहते हैं। सील करो, सील करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अबसे यादव Oh, my God.
कब गए हम लोग, 3 साल से पढ़ा, कभी नहीं देखा। सर हम लोग का सब लोग शांत रहे। सर हम लोग 2019 के बैच के हम लोग स्टूडेंट हैं। सर हम लोगों का 3 साल हो गया ना, तो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन हुआ ना, हम लोग का कोई 3 सालों में एक भी एग्जाम हुआ सर। और सर न्यूज पेपर में आया कि हमारा कॉलेज फर्जी है, इसलिए हम लोग सारे लोग पेपर देखे, सब लोग आए हैं, कॉलेज प्रशासन से बात किए हैं, तो कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि न्यूज पेपर वाले गलत छाप रहे हैं। SDM साहब बोल रहे हैं कि हाँ कॉलेज फर्जी हो चुका है। सर हम लोग SDM साहब बोल रहे हैं कॉलेज फर्जी, वहाँ पे जितने सारे लोग बोल रहे हैं सब 3-4 साल हो रहे हैं। सर या तो सर हमारी मांगे यही है कि हमारे यहाँ तो कहीं और ट्रांसफर किया जाए। अरे वहाँ जगह अप्रूवल है, 3 जगह अप्रूवल है, हमेशा होता है, हमें सूचना में वापस किया जा सकता है। सर हमारा 3 साल ऑलरेडी बर्बाद सर, मैं 3 साल गया है, किसी का 4 साल गया है, ठीक हम लोग का 2 साल जा रहा है पूरा, ठीक समय वापस तो आएगा नहीं हम लोग का। तो सर इसी देखिए पहला काम है कि ट्रांसफर कराइए। 2 साल का कोर्स, 4 साल लग गया है, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाया सर। सर हमारे एग्जाम हुआ था सर, एग्जाम कौन सा एंट्रेंस एग्जाम? राज नर्सिंग का एंट्रेंस अलग से, अलग अलग सब महाविद्यालय होता है, नहीं सब होता ही नहीं, अलग से प्राइवेट डोनेशन है, स्कूल है वो अपना एडमिशन स्वयं करता है और वो संस्था है। लेकिन जब तक कॉलेज की तरफ से आपको कुछ लिखा पढ़ी में ना मिल जाए कि नहीं मेरा कॉलेज फर्जी है ये घोषित हो गया, पहले बात सुन लो, मैं समझ गया हूँ, अगर जब तक कॉलेज तक ना मिले तब तक कोई भी पेपर कटिंग ऑथेंटिक नहीं हो सकती है, पहली बात, ठीक है। आपके कॉलेज ने क्या आपसे बोल दिया, लिखा पढ़ी में आपको दे दिया है कि नहीं मैं फर्जी हूँ? कॉलेज को वेबसाइट कॉलेज का नाम तो नेट पे शो करना चाहिए ना, नेट पे शो नहीं कर रहा सर, बता रहे आप लोग सर, अगर कॉलेज तुम्हारी तरफ से दो बार बात एग्जाम तो होना चाहिए सर, दो पेपर होने लेकिन पेपर नहीं हुए सर, अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर इतनी बात बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, पहले समझ लीजिए। पेपर कटिंग से आपको कॉलेज से बुझा देता नहीं है, पर अगर आप ये कर रहे हैं हम करा लेते हैं किया है, अगर फर्जी हुआ तब तरीका को कहाँ क्या कर सकते हैं, एक मुद्दा हो गया, अगर नहीं हुआ तो इसे बात ही करने जरूरत है, साल में कोई एग्जाम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज सर उनका एक ही बहाना होता था, कोविड चल रहा है, कोविड चल रहा है। आज आप लोग इकट्ठा होने का कारण क्या था? आज आप लोग इकट्ठा होने का कारण ये हुआ कि आप लोग किसी पेपर में कटिंग पड़ी, सारे पेपर पड़ी बड़ी कटिंग पड़ी, कैसा अच्छे से लिखा हुआ कटिंग? देखिए कुछ भी ना बोलिए, पहले बात समझ लीजिए, अगर आप मदद चाहते हैं तो सही में ऐसा कोई फर्जी घोषित कॉलेज हुआ है कि नहीं हुआ है? सिर्फ पेपर कटिंग के आधार पे हम नहीं कह सकते, कॉलेज पर ऐसा हुआ है तो आपके साथ क्या बेहतर किया, आपके साथ क्या बेहतर किया जा सकता है? आप बता रहे हैं कि 3 अफिलिएटेड विद्यालय हैं, जो बता रहे हैं आप दिखा रहे हैं जो चीजें हैं उसमें क्या हो सकता है, आपकी फीस का क्या मामला, सब लोग पढ़ लेते हैं, पैटर्न क्या है, यही बताया होंगे कि आप 2-3 लोग आइए मैं बात करा दूंगा, सिंपल सी बात करेंगे, इस भीड़ से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। SDM साहब बोले हमें 10 दिन लग जाएंगे, बिल्कुल सही कहे हैं।
सर आपकी जो मांगे हैं आप विधवा लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, ये ऐसा मामला है सर। नहीं आराम से, मैं कोई दिक्कत में ले लूंगी, नुकसान करना है सर। आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि हमारी मांगे पूरी होंगी, अब से क्या दो हम लोग को कॉलेज दूसरे जगह एडमिशन करवाएंगे। हमें उस कॉलेज देखो ये कोई ऐसी हम लोग को 3 साल हो गया है, हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए थे, एबिलिटी नहीं दिए, बोलते हैं एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, हम लोग 3 साल वेट करते रह गए, 4th साल लगने वाला है। हम लोग का डोनेशन के साथ 1,20,000 रुपया सबसे लिए है। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द हमारा सुनवाई करिए। हम लोग 3 साल से फंसे हुए इस कॉलेज में, 3 साल से आज तक हम लोग का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया। हम लोग की मांगी है कि या तो गोरखनाथ में हम लोग को ट्रांसफर करवाए, या तो 10 लाख हम लोग का मुआवजा दें। ये फर्जी कॉलेज है, हम लोग 3 साल से 2019 के बैच एक भी आज तक एग्जाम नहीं हुआ हम लोगों का। हम लोग की यही बस मांगी है कि या तो हम लोग का वो कर दें, या तो 10 लाख का मुआवजा दें, या तो हम लोग का गोरखनाथ में ट्रांसफर करें सारे लोगों का। उत्तम चौहान जी, एनएम सेकंड ईयर। हम लोग राजवीर सिंह पैरा मेडिकल के स्टूडेंट है। हम लोग की मान्य कॉलेज की मान्यता 2019 में रद्द की गई थी, जबकि वहाँ के टीचर्स और डायरेक्टर जो है अंधेरे में रख करके बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। 2022 आ गया है आज, 2022 से 2019 में एडमिशन लिया गया था, ना 19 का रिजल्ट है, ना 20 का रिजल्ट है, ना 21 का रिजल्ट। आज हम लोग को 4th साल लगे, हम जीएनएम सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, हम लोग को प्रमोट के नाम पे अंधेरे में रखा जा रहा था। आज 22 में हम लोग आज पेपर में निकला है, तब जाके हम लोग अल्लाह किए हैं। ये 5 पेज का पीडीएफ बना करके झूठा झूठा हम लोग को बता रहे थे कि मान्यता बहाल कर दी गई, जो आज पेपर में निकला है उसी चीज को मांग को लेकर हम लोग आए, या फिर हम लोग का एडमिशन करवाए, या फिर हम लोग का पैसा वापस करें। हम डेंटल हाइजीनिस्ट के सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं। इन्होंने सारे बच्चों को गुमराह किया है, फर्जी अपना कॉलेज चलाते हैं, सारे बच्चे परेशान हैं इस कॉलेज से। किसी को कहा जाता है कि आपका मार्कशीट आ जाएगा, किसी को कहा जाता है कि आपका अभी एग्जाम हो जाएगा, कभी एग्जाम नहीं होता है तो कभी मार्कशीट नहीं आता है। और इन्होंने डोनेशन के नाम पे किसी बच्चों से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख रुपए लिए हैं। और मैं खुद की बात बता रहा हूँ, इन्होंने कहा जब मैं कॉलेज पे इंक्वायरी के लिए गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर पेपर निकाल लेते हैं तो आपका फ्री में एडमिशन होगा। मेरा पेपर निकल भी गया, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे 40,000 रुपए डोनेशन लिए। सारे बच्चे ग्रस्त हैं इस चीज से, और सर की रसीद नहीं है, और कोई कोई भी रसीद नहीं है, ठीक है, सारा चीज फर्जी है, सारा एकदम नजायज ये कर रहे हैं, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी सर, इसके पहले सर हम लोग को थोड़ा सा भी पता नहीं था, आज पेपर में निकला है। और मेरा जब फर्स्ट ईयर का मार्कशीट निकला था, मोदी योगी जी ने प्रमोट बच्चों को किया था, तो मेरा मार्कशीट निकलने के बाद हमने जब गूगल पे चेक किया, उन्होंने बताया इसने इतने बच्चों का रोल नंबर ये है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हैं पैरा मेडिकल कॉलेज के नाम से, उस पे सेंड किया। हमने जब चेक किया तो हम आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग हैं यहाँ पे शिक्षित हैं, ये बताइए मार्कशीट पे फोटो रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। मेरा जो मार्कशीट निकला मेरा फोटो नहीं था, वहाँ के जो मैनेजर है हमने उनसे कॉल पे बात किया, हमने अपनी समस्या बताई, सर मेरा मार्कशीट पे फोटो क्यों नहीं है? उन्होंने अपने पर्सनल आईडी पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना हमारा फोटो मंगवाया, और 10 मिनट के अंदर उन्होंने फोन किया कि आप अपना चेक करिए। हमने चेक किया, मेरा फोटो आ गया। ये आप बताइए, मैं उनसे इतना ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या गूगल उनके पिताजी का है जो गूगल पे तुरंत शो करने लगा मेरा फोटो? क्या मांगे है? हमारा मांगे है, पहले सारे बच्चों का एक ही मांग है, जैसे कि जितने भी बच्चे हैं हम लोग को उस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है, अगर वो कॉलेज रजिस्टर्ड भी हो जाता है तो तभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कई रीजन है, कई कारण है। हम लोग रोड प्रदर्शन किए हैं, कॉलेज की बहुत सारी बदनामी हो रही है, उसके देखरेख में वो लोग हम लोग को प्रताड़ित करेंगे, तंग करेंगे, इसके वजह से हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग को गोरखनाथ में एडमिशन, जितने भी सारे बच्चे हैं, जैसे हम डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, हमारी असिस्टेंट जीएनएम है, ईएनएम है, बाकी ओटी असिस्टेंट है, तो जो भी जिस डिपार्टमेंट से है उनका उसमें एडमिशन करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं तो 5 हम लोग को 10 लाख रुपए एक एक बच्चे को मुआवजा दे। अभी कुछ हमारे बच्चे, हमारे कुछ अभी सहपाठी हैं जो हमारे मित्र हैं,
2018 का पेपर दिया है डेंटल हाइजीनिस्ट का। डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स मात्र 2 साल का होता है। अगर 2018, 19, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक आपका मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। 2022 स्टार्ट हो गया, अभी तक कोई मार्कशीट नहीं मिली। पेमेंट पूरा करा लिया गया है, सारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, स्कॉलरशिप भी नहीं आया, लैपटॉप मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। मेरा नाम संदीप गुप्ता है, हम GN 450 रुपए लेते हैं स्कॉलरशिप के, बल्कि स्कॉलरशिप टेबलेट के लिए भी जमा 100 रुपए लिए थे टेबलेट के लिए, 100 रुपए सब बच्चों से जमा करवाए, आप लोग को टेबलेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। सीमा यादव, मैं देवरिया की रहने वाली हूँ। सर मैं एडमिशन 2020 में ली थी, मैं एएनएम की स्टूडेंट हूँ और 20, 21, 22 हो गया, अभी तक हमारा पेपर नहीं हुआ। हमारी सिर्फ दो ही मांगे, हमारी, हमारे सारे कॉलेज जितने भी स्टूडेंट सबकी दो ही मांगे हैं, या तो गोरखनाथ में हम लोग का एडमिशन हो और नहीं तो हर बच्चों को 10-10 लाख रुपए दिया जाए। सर यही बस हम लोग की मांगे हैं। अगर इस कॉलेज को मान्यता मिल भी जाती है, इस कॉलेज की मान्यता मिल भी जाती है, तो इस कॉलेज में हम से कोई भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा और ना हम लोग पढ़ना चाहते हैं, और कॉलेज को जांच पड़ताल करके कॉलेज को सील कर दिया जाए। बात और है, क्योंकि 4 सालों से हमारे यहाँ 18, 19, 20, 21 4 सालों से बच्चों को गुमराह करके वो रखे हैं कि अब एग्जाम होगा, तब एग्जाम होगा, प्रमोट हो गया, ये होगा, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सर कॉलेज सुबह हम लोग 9 बजे निकलते हैं, बस 9:30 बजे मिलता है, 10:30 बजे कॉलेज पहुँचते हैं और रात को 8:30 बजे 7 बजे कॉलेज से हम लोग बाहर आते हैं। सर किसी भी कॉलेज में ऐसी पढ़ाई होती है? 4 बजे 6 बजे और 4 बजे डायरेक्टर सर जाते हैं वहाँ पे, 3 क्लास क्लास लेके आधे घंटे क्लास लेके 5:30 बजे 6 बजे क्लास हम लोग को ओवर होता है, वहाँ से हम लोग निकलते हैं, रूम पहुँचते पहुँचते 8:30-9 बज जाता है। सर ऐसे किसी कॉलेज में पढ़ाई होता है क्या? वहाँ लड़कियाँ सेफ है? हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, वो गांव एरिया है, जंगल में, वहाँ 8 बजे तक हम लोग रहते हैं, हम लोग साथ कुछ भी हो सकता है। सर होने के बाद कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, लेगा कोई कॉलेज प्रशासन चाहे कोई भी? हम लोग की यही मांगे हैं, या तो गोरखनाथ में हम लोग एडमिशन हो और नहीं तो 10-10 लाख रुपया हर बच्चों को दिया जाए, हम लोग को उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है। सर बस यही मांगे।